टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि जो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है, यानी कि असहयोग आंदोलन जो था, उसको वो जो है विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे। उनको ऐसा लगा कि ये जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो गया कई जगहों पर, और जो भी सत्याग्रही है उनको अगर हमें जन संघर्ष करना है, कोई आंदोलन करना है, तो पहले उनको जो है प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी जरूरी है, उसके बाद ही उनको जन संघर्ष के लिए भेजा जाए। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे थे जो अब पूरी तरह से इन जन आंदोलनों से या जन संघर्षों से थक चुके थे। वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसके अनुसार जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, यानी कि जो स्टेट काउंसिल्स हैं, उस टाइम पे जो एक क्षेत्रीय तौर पे जो काउंसिल्स होते थे, उनकी उनके जो इलेक्शंस होते हैं उसमें ये हिस्सा लेना चाहते। उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिश पॉलिसीज जो हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से काउंसिल के अंदर ही उसका अपोज किया जा सकता है, या चेंज के लिए अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए हम बहस कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो ये काउंसिल्स हैं उनको ये भी बताया जा सकता है कि ये जो काउंसिल्स हैं वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने जो है स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर, ताकि ये उन लोगों के साथ बहस कर सके कि भाई हमें जो है काउंसिल पॉलिटिक्स पर ध्यान देना चाहिए। पर कुछ उसमें यंग लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट तौर पर एक जन विद्रोह हो और हम पूर्ण इंडिपेंडेंस के लिए आगे बढ़े। अभी यहाँ पर एक साइड में दिया हुआ है कि जो लाला लाजपत राय थे उनको जो है एक तरह से वो मारे गए थे ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, जिस टाइम पे वो एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। उनकी जो डेथ थी वो उन इंजरीज, यानी जो उनकी चोटें आई थी, उसके कारण हुई जो जबरदस्ती उनके ऊपर प्रदर्शन के दौरान करी गई, यानी उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उससे जो उनको चोटें आई के कारण उनकी डेथ हुई। अब ऐसे सिचुएशन में जहां एक तरफ इंटरनल डिबेट हो रही थी, अंदरूनी तौर पे बहस हो रही थी कंट्री के अंदर, वहीं ऐसे दो फैक्टर्स और भी थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को एक शक दी लेट 1920s। सबसे पहला था पूरी दुनिया पे जो आर्थिक मंदी थी उसका असर होना। एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो गिरने लग गए 1926 से और पूरी तरह से कोलैप्स कर गए 1930 के बाद। अब जो डिमांड थी एग्रीकल्चरल गुड्स की, जहां वो कम होने लग गई तो एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए, तो किसान थे अब उनको बहुत मुश्किल हो गया अपनी जो फसल है उसको बेचना, या जो भी इनकम उनको पे करनी होती थी वो कैसे पे करेंगे। तो 1930 तक जो गांव के एरियाज थे वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे। यही जहां एक तरफ इंडिया में ये सब हो रहा था, वही जो ब्रिटेन में एक नई टोरी गवर्नमेंट बनी थी उसने एक स्टैचुरी कमीशन का गठन किया, जिसके लीडर थे सर जॉन साइमन। ये बेसिकली ये जो भी अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उसके रिस्पॉन्स में बनाई गई थी, ताकि कमीशन ये देख सके कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया में चल रहा है उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, साथ ही साथ उसमें जो भी बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में वो सजेस्ट करती। पर प्रॉब्लम ये थी, ये जो कमीशन था इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। जब साइमन कमीशन इंडिया में आया 1928 में, तो उसके आने के बाद जो उसके नारे लगाए गए वहां पर, उन्होंने लोग जो वहां इकट्ठे थे उन्होंने जो नारे लगाए थे वो था गो बैक साइमन, मतलब साइमन तुम वापस जाओ। सारी की सारी पार्टीज, चाहे उसमें कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, सबने इस डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लिया। अब होता है ना कि जैसे अपने हम किसी तरह से आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही कोशिश में जो लॉर्ड इरविन थे, जो वाइसरॉय थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि अक्टूबर 1929 के अनाउंस किया एक, जैसे कहते ना बस हवा में एक ऑफर, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का इंडिया को ऑफर कर दिया, जिसका कोई तय फ्यूचर नहीं था कि कब होगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बोला कि उस पर डिस्कस जो है वहां पे मिलिए, डिस्कशन होगा, हमारे जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके बारे में डिस्कस करें। पर इससे क्या हुआ
जो कांग्रेस लीडर्स थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, जो रेडिकल्स थे कांग्रेस के अंदर यानी जो कंप्लीट चेंज चाहते थे, जिसको कि लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, अब वो जो है और ज्यादा खुलकर आ गए कि भाई उनकी क्या राय है कि वो जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते। यहाँ पर आपके एक फिगर 6 दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कांग्रेस लीडर्स की मीटिंग हो रही है इलाहाबाद में, ये बात है 1931 की। महात्मा गांधी आपका ये सेंटर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे उनके लेफ्ट में अगर देखें एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख जाएंगे, पीछे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं और सुभाष चंद्र बोस फिफ्थ राइट से, ये जो है सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए हैं। ये सब लोगों ने लीडर्स ने हिस्सा लिया था उसमें जो भी मीटिंग हुई कांग्रेस लीडर्स की। तो लिबरल्स और मॉडरेट्स जो थे जो अभी प्रपोज कर रहे थे कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है ऐसा करना चाहिए जो ब्रिटिश डोमिनियन के फ्रेमवर्क के अंदर आता हो, कि मतलब हम पॉलिटिक्स जो है इलेक्शंस के थ्रू जाके वहां पे बहस करें ये करें, कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव था वो थोड़ा कम होने लग गया। दिसंबर 1929 में जो प्रेसिडेंसी थी जवाहरलाल नेहरू की, वहां लाहौर कांग्रेस ने जो है फॉर्मलाइज करी डिमांड पूर्ण स्वराज की या फुल इंडिपेंडेंस इंडिया की। ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे के तरीके से, जब लोग जो है ये ओथ लेंगे, प्लेज लेंगे, शपथ खाएंगे कि वो जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल करेंगे। और ये जो सेलिब्रेशंस थे इनको बहुत कम अटेंशन मिल पाया, मतलब बहुत कम लोग इसमें जो है जुड़ पाए। तो महात्मा गांधी को अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था जिससे ये जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था फ्रीडम को लेके, उसको किसी ऐसे रिलेशन जो रोज के जो हमारी जिंदगी के बहुत ही अहम मुद्दे हैं उनके साथ जोड़ा जाए, तभी तो लोग जो है आपके प्रति अटेंशन होंगे। तो उसके लिए जो है महात्मा गांधी ने सोचा कि कोई ना कोई अब रास्ता निकालना चाहिए। यहां पर आपको सोर्स सी जो दिया हुआ है इसमें बताया कि इंडिपेंडेंस डे की जो प्लेज उन्होंने बोली थी कि हो लेंगे सब, वो क्या था 26 जनवरी 1930। तो यहाँ ये जो आपकी प्लेज दी है इसका हम एक आपको प्रॉपर मीनिंग बता देते हैं कि क्या था इस प्लेज में। ये एक तरीके की जो पैसेज है ये आपका, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जोर दे रहा है कि हमारा जो विश्वास है वो होना चाहिए राइट टू फ्रीडम में और इंडिपेंडेंस में, मतलब जो हमारे इंडियन लोग हैं उनको ये विश्वास हो कि वो जो है राइट टू फ्रीडम रखते हैं, उनका अधिकार है स्वतंत्र होने का और उनको पूर्ण आजादी मिलनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने जो बेली बोला है वो ये बोला है, पहला है इन एलियनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल, मतलब इन एलियनेबल जो आपका राइट टू फ्रीडम है। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि हम इंडियन लोग जो हैं उनका ये एक तरह से हमारा ये अधिकार है कि हमें जो है और लोगों के जैसे फ्रीडम मिले, हम भी जो है अपने जो हमारे मेहनत करते हैं उसके जो फल हैं वो हमें भी मिले, और साथ ही साथ हमारे को जो लाइफ की जरूरतें हैं उसके लिए हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी जो है पूरी तरीके से अपने को डेवलप कर पाए, ग्रो कर पाए। दूसरा था कि एक तरह से कि राइट टू एबॉलिश करना, जो ऑप्रेसिव गवर्नमेंट है उसको एबॉलिश करना, खत्म करना। अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो लोगों को महरूम रखती है उनकी राइट से, उनका दमन करती है, उत्पीड़न करती है, तो लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो ऐसी गवर्नमेंट को या तो बदल दे या फिर उसको जो है खत्म कर। फिर क्रिटिक्स जो थे ब्रिटिश रूल के इंडिया के अंदर, उसमें क्या था कि ये जो प्लेज है इसमें क्रिटिसाइज किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो जो है खाली इंडियन लोगों को महरूम ही नहीं रखती थी अपने फ्रीडम से, बल्कि वो जो है जो जनता थी उसका शोषण भी करती थी। इस एक्सप्लॉयटेशन के कारण, शोषण के कारण इंडिया जो है वो आर्थिक तौर पर,
राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर उनने जो है इंडिया को बर्बाद कर दिया। और फाइनली उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है उसको अपना ये जो एक कनेक्शन है ब्रिटिश रूल के साथ, ये एक तरह से खत्म करना होगा और पूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है उसको हासिल करना। तो ये जो है एक तरीके से जो आपकी प्लेज है, सेंटिमेंट्स हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, जो कि वकालत कर रहे हैं फ्रीडम के लिए ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उससे। अब इसके बाद तो इसका नेक्स्ट पार्ट है 3.1, ये करते हैं अगले वीडियो। ये एक तरीके का आपका इस वीडियो में इंट्रोडक्शन।